हेलो गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब आज हम पढ़ेंगे कंटेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़ इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी मेथड्स टीचर एज अ फैसिलिटेटर तो ये सोशल स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में देखते हैं सबसे पहले कि सोशल स्टडीज़ की हम बात अगर करते हैं सोशल स्टडीज़ जो है एक इंटीग्रेटेड स्टडी है इंटेग्रेटेड का मतलब जिसमें कि हमने बहुत मतलब एकजुट किया हुआ है किसकी स्टडी को एकजुट किया है जिसमें सोशल साइंसेज सोशल साइंस जो है एक वास्ट कॉन्सेप्ट है ब्रॉडन कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इन डिटेल डीप में स्टडी करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लेकिन सोशल स्टडीज़ में उन्हीं हम सब्जेक्ट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जब जोड़ देते हैं आपस में तो वो इंटीग्रेट कर देता so, है सो जो की कंपोनेंट्स हैं सोशल स्टडीज़ में अगर हम देखें कंटेंट की बात करते हैं जो कि इंक्लूड करता है हिस्ट्री हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जोग्रफी इकनॉमिक्स सिविक्स एंड गवर्नमेंट के बारे में और ये भी देखा गया कि इसका जो ज़्यादा एम्फिस जो है वो रहता है कि किन किन इम्पॉर्टेंट हम आइडियाज़ इवेंट्स और पीपल के बारे में हम सोशल uh, स्टडीज़ में बेसिकली सोशल स्टडी का मतलब ये सोशल जो कि सोसाइटी से बना है तो उसमें हम लोगों के इवेंट्स आइडियाज़ किस तरह से एक स्टूडेंट्स uh, की लाइफ पर इफ़ेक्ट हो रहा है तो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं सोसाइटी के को स्टडी कर रहा है थॉरली एंड इट इज़ इम्पॉटेंट दैट स्टूडेंट डिवेल्प द क्रिटिकल स्किल्स नेसेसरी टू पार्टिसिपेट फुली और एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्किल्स को डेवलप करे और वो तभी हो सकता है जब फुली पार्टिसिपेट करेगा सोसाइटी में इसीलिए ये सोशल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमको देता है सब्जेक्ट के थ्रू हमको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑर्गेनाइज डेटा होता है डेवलप करता है बैलेंस पॉलिसीज़ और आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करता है न्यू नॉलेज को और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इफेक्टिवली पार्टिसपेट करने में इनक्रेज करता है इन ग्रुप्स में इंडिविजुअली इस तरह से सोशल स्टडीज़ में हम इंट्रोडक्शनस का देख सकते हैं वॉट इज़ कॉन्टेंट कॉन्टेंट होता क्या है कॉन्टेंट लैंग्वेज में अगर हम देखें कि बुक में कॉन्टेंट्स है तो उसमें हम देखते हैं जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर में दिखाया है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड हैं उस पर्टिकुलर बुक में तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक सो यहाँ पर मैंने किसी सोशल स्टडीज़ का ही एक पेज लिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये जोग्राफी की बुक का है जिसमें सारे कॉन्टेंट्स हमको पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस बुक में सो द टर्म कॉन्टेंट जो है हम कहते हैं नॉलेज उस बॉडी ऑफ नॉलेज को जो कि हमको क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी पर्टिकुलर बुक की कि उसमें क्या क्या एक कंटेंट जो है क्या क्या अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर बुक में जो एक टीचर जो है टीच करेगा अपने स्टूडेंट्स को और एक्सपेक्टेड एक लर्निंग आउटकम को अचीव करेंगे और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो टीच करेंगे बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे सच्चाज ऐसे हमने इंग्लिश की बुक्स में देखा है लैंग्वेज आर्ट्स मैथमेटिक्स साइंस सोशल स्टडीज़ कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें हम कॉन्टेंट्स देखते हैं मूविंग फर्दर मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन ऐड किया सोशल स्टडीज़ की जिसमें चेस्टर डब्ल्यू हैरिस डिफ़ाइन करते हैं सोशल स्टडीज़ को उनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि सोशल स्टडीज़ वो सब्जेक्ट वो स्टडी है जिसमें कि क्या प्रोवाइड कर रहा है एक सोशल स्टडी प्रोवाइड करता है मैन की वे ऑफ लिविंग को कि किस तरह से एक मैन अपनी बेसिक नीड्स की उसको ज़रूरत है और वो उसको जीने के लिए जो जो कर रहा है या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है एंगेज है अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर डिवेलप हो रहे हैं और उसमें डेवलप्ड और एंगेज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सोशल स्टडी पेरियर कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग जॉन यू माइकलिस क्या कहते हैं सोशल स्टडीज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन एंड इस प्रोग्राम इज़ इंटरेक्शन विद दिस सोशल सो इनके अकॉर्डिंग ये स्टडी ऑफ मैन है ह्यूमन बीइंग की स्टडी है जिसमें वो कोई भी प्रोग्राम इंटरेक्शन अपने कर रहे हैं डे टू डे मेनली एक्टिविटीज़ हो रही हैं सोशल फ़िजिकल इन्वायरमेंट के साथ इन द पास्ट जो भी पास्ट में हुई वो प्रेजेंट एंड एमरजिंग फ्यूचर में जिस तरह से होगी इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हम बेस बनाकर जब चलते हैं तो इनके अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज़ वो है देन अकॉर्डिंग टू एम पी मोफेड डिफाइंड इन्होंने क्या डिफाइन किया है जो सोशल स्टडी एक ऐसी फील्ड है is that area which aids youth through sound knowledge, information and experiences which are essential to the building of basic values, desirable habits, accepted. so according to him, jo social study hai ek aisi field hai jahan par एक, एक तरह से एक ऐसा area है जो youth को aid कर रहा means help कर रहा है कि वो अपनी knowledge को अच्छी knowledge build कर सके, उसको information मिले, वो experiences करे वो सब चीज़ों के लिए जो कि ज़रूरी है उसके बेसिक वैल्यूज डिजायरेबल हैबिट्स और एक्सेप्टेड एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टू बी अ इफेक्टिव सिटीजन होने के लिए कंट्री में रहने के लिए जब एक यूथ को एक एड की तरह हेल्प हो रही है तो वो सोशल स्टडीज़ है अकॉर्डिंग टू एम पी मोफिट नाउ कंक्लूजन ऑफ द डेफिनेशन अब इसका अगर हम कंक्लूजन देखें अगर इसको कंक्लूड करें इन सबकी जो आ, हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी तो हम ये देख सकते हैं कि जो सोशल स्टडी है वो इंटर डिसप्लिनरी स्टडी है ऑफ सिटीज़न गवर्नमेंट इकोनॉमिक जोग्राफी हिस्ट्री एंड अदर डिसिप्लिन इन द सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ बेसिकली इसमें हम सारा ही जब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके जब क्लियर करते हैं एक यूथ एक स्टूडेंट उसके बारे में स्टडी करता है एंड uh, अपने कंसेप्ट स्किल्स और नेसेसरी uh, इंफॉर्मेशन को डेवलप कर रहा है स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है सोसाइटी को जान रहा है अपने आप को एक एंगेज रखकर पर्टिकुलर कुछ भी काइंड kind ऑफ of, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ भी अपने नीड्स को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है सिटीजन बनने के लिए एक कंट्री में सर्वाइव करने के लिए सो दैट कैन बी कंक्लूडेड इन दैट मैनर इसको अब हम ये स्टडी करेंगे कि एक सोशल स्टडीज़ की बुक में कंटेंट किस तरह का होना चाहिए और कैसा होता है सो सिग्निफिकेंस ऑफ कंटेंट सबसे पहले सिग्निफिकेंस कंटेंट का इंपॉर्टेंस क्या है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंटेंट इज़ सिग्निफिकेंट इफ इट इज़ सिलेक्टेड एंड ऑर्गेइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज स्किल्स प्रोसेस एंड एटीट्यूड मेनली इसमें कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है या कॉन्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर बुक का वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसमें एक सिलेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड जो है लर्निंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उसमें पर्टिकुलर स्किल्स है या प्रोसेस या एटीट्यूड इन्वॉल्व हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या हेल्प करता है एक बच्चे की कॉग्निटिव साइकोमोटर स्किल्स और कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि एज के एज के अप्रोप्रिएटली ही ऐसी बुक्स भी बिल्ड की जाती हैं कि बच्चे के एज के बेसिस पे बुक्स को बिल्ड किया जाता है उनका कंटेंट रखा जाता है ताकि वो उतना उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो देन वैलिडिटी ऑफ कंटेंट अब एक बुक में जो कंटेंट हमने डाल दिया वो कब तक वैलिड रहेगा ऐसा नहीं है वो ऑब्सोलीट हो जाए एक टाइम पर कि न्यू न्यू अपडेट्स आ रहे हैं बट उसका कंटेंट जो है पुराना होता जाए तो उसको वैलिडिटी भी मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ इंक्लूड किया जाता है वैलिडिटी का मतलब है ऑथेंटिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और कॉन्टेंट यू सिलेक्टेड मतलब कितना ऑथेंटिक है वो कितना वेरीफाइड कॉन्टेंट है जो आप अपनी बुक में डाल रहे हैं मेक श्योर दैट द टॉपिक्स आर नॉट ऑप्सुलीट ऑप्सुलट मतलब एक टाइम पे वो आउटडेटेड ना हो जाए बहुत जल्दी ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड करना चाहिए बुक में दस देर इज़ अ नीड टू चेक रेगुलरली द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट्स ऑफ द करिकुलम सो कभी भी जब एक करिकुलम बनता है स्पेशली सोशल स्टडीज़ के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये रेगुलर चेक किया जाता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है या कॉन्टेंट है उसका टाइम टू टाइम चेक किया जाता है इन्फॉमेशन जो भी इंक्लूड की जा रही है एंड रिप्लेसड इफ इट इज़ नेसेसरी और उसके उसको टाइम के साथ चेक कर रिप्लेस भी कर दिया जाता है अगर कोई ऑप्सुलीट हो रहा है या वो फिट नहीं बैठ रहा है डू नॉट वेट फॉर अनदर फाइव ईयर्स टू चेंज इट सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बुक हमेशा पाँच साल के बाद मतलब उसका थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए कॉन्टेंट का अब बुक में हम इंटरेस्ट कंटेंट की कैसे बात कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न करते हैं अगर उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उनके लिए मीनिंगफुल होगा अगर उनके इंटरेस्ट का होगा वो तभी उसके बारे में पढ़ेंगे और एज अप्रोप्रिएट होगा इट कम्स मीनिंगफुल इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन इट अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी टॉपिक पर्टिकुलर मतलब जानने के लिए या उसकी एज के अकॉर्डिंग वो नहीं फिट बैठ रहा तो वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा इसलिए हमको ये बुक को बनाते हुए कॉन्टेंट को स्पेशली सोशल स्टडीज में ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी एज का बच्चा है कौन 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 से टॉपिक्स जो हैं उस बच्चे को उस टाइम के लिए पढ़ाने ज़रूरी है तो वो सब इंक्लूड करना चाहिए देन यूटिलिटी अनदर क्राइटीरिया इज़ द यूज़फुलनेस ऑफ द कॉन्टेंट और सब्जेक्ट मैटर अनदर क्राइटीरिया अब क्या है उसकी यूजफुलनेस कि जो कॉन्टेंट है वो कितना यूटिलिटी है उसका कितना यूजफुल है ऐसा नहीं आप कुछ भी अपनी बुक में डाल रहे हो उसकी यूटिलिटी भी मैटर करनी चाहिए स्टूडेंट्स थिंक दट अ सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट सम सब्जेक्ट्स आर नॉट इम्पॉटेंट टू देन अब बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है जब वो कहीं प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज uh, जब तक उनको नहीं लगेगा कि वो हमारी रियल लाइफ में उसकी यूटिलिटी है या नहीं है तब तक वो उनके लिए इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जो अपनी रियल लाइफ से वो रिलेट कर सकें और वो यूटिलाई यूटिलिटी उसकी हो सो दे व्यू इट यूजलेस सो ऐसे टाइम पे कई बार बच्चे उसको यूजलेस ना समझे तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए एज अ रिजल्ट दे डू नॉट स्टडी तो इस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं अगर उनको उसकी यूटिलिटी नहीं लगेगी देन फिसि फिजिबिलिटी फ़िजिबिलिटी का मतलब क्या है फिजिबिलिटी मीन्स फुल पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसकी लागू हो जाना चाहिए वो सब्जेक्ट मैटर जो भी आपने कॉन्टेंट वो क्रिएट किया है और इसमें जैसे मैंने अभी पिछले हमने पिछली स्लाइड में बात की कि जो एक टॉपिक हो क्या होना चाहिए रियल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए जो भी आप स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में सोसाइटी के बारे में इन जनरल तो वो उसका फिजिबिलिटी होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन इन प्रैक्टिकल और इन रियालिटी में होना चाहिए स्टूडेंट्स मस्ट लर्न विद इन दलोएबल टाइम एंड द यूज़ ऑफ रिसोर्स एवेलेबल और ऐसा होना चाहिए उसमें कि जो विद इन द एलोएबल टाइम जो ड्यूरेशन है उसका उसमें वो पढ़ सकें अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और उन रिसोर्स को यूज़ भी कर सके डू नॉट गिव दैम अ टॉपिक दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फिनिश और कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट ना हो दैट मीन्स वो बच्चा उसको फिनिश ना कर पाए इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए द कॉन्टेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग अब एक कॉन्टेंट जो है क्या क्या मेनली जनरल वे में क्या क्या इंक्लूड करता है सोशल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर तो सबसे पहला है फैक्ट्स सोशल स्टडीज़ में हम फैक्ट्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि फैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है जो रियलिटी ट्रुथ बेस्ड हो जैसे कुछ भी चीज़ें हो रही हैं थिंग्स हैपनिंग अराउंड फैक्ट्स ऑफ सोसाइटी जो भी हमारे आसपास जो भी सीन चल रहे हैं जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में उन सब चीज़ों के बारे में हम डाल सकते हैं कॉन्सेप्ट अब किस तरह के कॉन्सेप्ट लाइक जनरल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक कल्चर के बारे में हम इंक्लूड कर सकते हैं एन्वायरमेंट आ गया इसमें रिलीजन फैमिली एट्सट्रा देन जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन का मतलब है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फ्राम फैक्ट्स लाइक फॉर मैरिज एक्सेट्रा अब जनरलाइजेशन का मतलब है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाना जिसमें कि कुछ फैक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हो जो कि हम अगर हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं मैरिज का तो मैरिज के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो रिलीजन वाइज़ या कल्चर वाइज फॉर्म फॉर्मुलेट हुए हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग किस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है तो हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं देन स्किल्स वॉट आर स्किल्स नाउ एबिलिटी टू रीड मैप्स अब स्किल्स में क्या आना चाहिए मैप को रीड करने की स्किल एबिलिटी होनी चाहिए ऐसे आप इंक्लूड कर सकते हैं कैटेगराइज इंफॉर्मेशन एनालाइज आर्टिफैक्ट्स एंड प्राइमरी रिसोर्स कंपेयर एंड कंट्रास्ट आइडियाज़ समराइज मेन आइडियाज़ ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं इसमें वैल्यूज़ वैल्यूज़ का मतलब है बेटर रीडिंग एंड लर्निंग सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई इसमें जिसमें वैल्यूज़ की बात करें कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल थिंकिंग रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल स्किल्स देन एटीट्यूड एटीट्यूड जजमेंट्स पीपल हैव अबाउट आइडियाज़ अब कोई भी पर्टिकुलर अब हर एक जो हम देखते हैं ह्यूमन बींग जो है जजमेंटल होता है उनके खुद के ओपिनियन होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर सो so, उनका एटीट्यूड किस तरह से एक बुक के थ्रू हम बिल्ड कर सकते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि जजमेंट जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं अबाउट पर्टिकुलर आइडिया एक्सपीरियंसिस अदर पीपल के थ्रू वेरियस इवेंट्स जो भी हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में उसके थ्रू हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं दे कैन बी कॉन्शियस एक्सप्लिसिट और अनकॉन्शियस हो सकते हैं बिलीव दैट में इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड डिसीजन को जो इन्फ्लुएंस करता है सो so ये सब चीज़ों को हम देख कर ये जो कॉन्टेंट हमने कुछ जनरल वे में बात किया है तो इसको हम नज़र में रखते हुए अपना कॉन्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं अप्रोच ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज अब अप्रोच का मतलब कोई एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम सोशल स्टडीज़ को पढ़ा सकते हैं कौन सी अप्रोच हमको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए जिसके थ्रू हम सोशल स्टडीज़ को पढ़ा सकें सो फर्स्ट इज़ डिसिप्लिनरी अप्रोच डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है डिसिप्लिनरी जो है डिसिप्लिनरी जो है बेस्ड uh, के बेसिस पे अगर हम देखें जो करिकुलम है वो अप्रोच करता है कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम टीच करते हैं टीचिंग प्रैक्टिस होती है विद इन वन सब्जेक्ट एंड एनकरेज टीचर्स फॉर स्पेशलाइजेशन तो डिस डिसिप्लिनरी का मतलब सिर्फ़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर टीचर जब फोकस करते हैं इंकरेज करते हैं उनको भी ताकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो अपनी मास्टर बन जाए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और उनको इन डेप्थ नॉलेज हो उस कंटेंट की एंड इंटीग्रेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ देयर डिसिप्लिन और उस डिस और जो उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू ही वो उस चीज़ों को इंटीग्रेट कर सके और कॉन्सेप्ट्स को दिस अप्रोच इज़ आल्सो नोन एज सब्जेक्ट अप्रोच भी कहा गया है इसको या ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा गया है एज ईच सब्जेक्ट इज सेपरेटली टॉट बाय द टीचर इसमें क्या होता है कि जो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो अलग अलग टीचर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वही टीच करते हैं एग्जाम्पल लाइक साइंस वॉज ट्रेडिशनली टॉट एज अ सब्जेक्ट विद डिफरेंट कम्पार्टमेंट सच एज लाइक फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं इसके आगे जाकर कई मतलब पर्टिकुलरली uh, इनके स्पेशलाइज टीचर होते हैं और वही टीच करते हैं आपको फिजिक्स हो गया बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड ऑल नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या है जो वर्ड इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन का मतलब है एक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग जब हम एकजुट कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को टू वर्क टुगेदर इन हार्मनी सोशल स्टडीज़ में हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन सोशल स्टडीज़ में मतलब है कि लिंक करना रिलेटेड सब्जेक्ट्स फैक्ट्स कंसेप्ट नॉलेज को पढ़ाते हुए लर्न करवाते हुए टीचर क्या करती हैं वो कई सारे कॉन्सेप्ट को जब इंटीग्रेट करती हैं एक ही सब्जेक्ट में तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच अलाउज लर्नर टू एक्सप्लोर और इस तरह का अप्रोच लर्नर को इंक्रेज करता है अलाउ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं गैदर कर सकते हैं प्रोसेस को रिफ़ाइन कर सकते हैं और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर कम डिस्कशन मैथड अब इस तरह के मैथड में क्या है ये कॉम्बिनेशन है लेक्चर मैथड का और डिस्कशन मैथड में मैथड का जो कि बहुत ही हेल्पफुल है क्या करने में बिल्ड करने में एक एक्टिव वर्बल इंटरेक्शन को बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स बेसिकली टीचर क्या करती हैं टीचर जब डिलीवर करती है अपने लेक्चर को लेक्चर डिलीवर करने के मतलब उसको ब्रेक कर देती है चंक्स में जो एक पर्टिकुलर टॉपिक को आधे आधे चंक्स में पढ़ाती हैं तो और बीच में इन बिटवीन वो प्रोवाइड करती हैं कुछ टाइम लाइक फॉर टेन मिनट्स आफ्टर द लेक्चर फॉर डिस्कशन और मेनली विद इन द लेक्चर भी कर सकती हैं वो इन द मिडल ऑफ द लेक्चर और आफ्टर द लेक्चर जब कंप्लीट करके डिस्कशन के लिए कुछ टाइम देना बच्चों की ताकि वो डिस्कशन कर सके उस टॉपिक पर और स्टूडेंट्स और टीचर की इंटरेक्शन हो सके प्रॉपर्ली और स्टूडेंट के व्यूज़ हम इस तरह से देख सकते हैं वो कमेंट्स जो भी एक्सपीरियंसिस करते हैं प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टी उनको जो आ रही है उस टाइम पर वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने पॉइंट को उस लेक्चर के थ्रू एक टीचर जो है नॉलेज ले सकती है बच्चों को कितना समझ आया थ्रू रिप्लाई क्लैरिफाई कर सकते हैं उनकी डाउट्स को और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये स्टिमुलेट करने में कि जो स्टूडेंट है कितना उसका इंटरेस्ट है और कितना असेस कर पाया है अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड से हम समझ लें लाइक ले, कि ऑब्जर्व करना स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड एक्वायर नॉलेज ऑब्जर्व कर जब एक्वायर नॉलेज की जा रही है सो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन अभी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक मेथड ऑफ साइंस टीचिंग में ही करते हैं हम ऑब्जर्वेशन बट एक ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट है कि हम जो है साइंस में बिगिन है विद ऑब्जर्वेशन हम करते हैं स्टूडेंट्स यूज टू लाइक दे ऑब्जर्व नेचर हम नेचर uh, की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ग्रुप्स में ऑब्जर्वेशन करते हैं लैब में एट स्कूल एट होम और इन गार्डन्स तो ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब कहीं पर भी अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करके सीख रहा है बच्चा अपने लाइफ एक्सपीसिस में जब वो एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ ऑब्जर्व कर रहा है वो सब चीज़ों के थ्रू जब वो समझ रहा है और उस चीज़ों को डिस्कशन की जा रही है क्लास में सो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन या कोई ऐसा टास्क देती है टीचर कि उसको ऑब्ज़र्व करना है पर्टिकुलर चीज़ को बीट इन योर हाउस और इन योर एनवायरनमेंट इन योर सोसाइटी लाइक दिस दैन प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट मेथड क्या है एक एजुकेशनल इंटरप्राइज है जिसमें क्या कर रहा है बच्चा सॉल्व करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज और वीक्स मेनली इसमें क्या है लाइक like, एक टीचर है प्रोजेक्ट दे देती है बच्चे को कि आपको इस लाइक uh, फॉर like, uh, थोड़े टाइम पीरियड के लिए जब एक काम असाइन कर दिया जाता है बच्चे को उसकी डेडलाइन दी जाती है कि इस टाइम तक आपको ये प्रोजेक्ट को सबमिट कराना है प्रोजेक्ट मेथड में आपको कुछ वीक और डेज देते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए जो कि इन्वॉल्व करता है लाइक like कोई भी कंसेप्ट हो सकता है लाइक रॉकेट बिल्डिंग अ रॉकेट डिजाइनिंग अ प्ले ग्राउंड पब्लिशिंग अ क्लास न्यूज़ पेपर एक्सेट्रा इसमें कोई भी आप टॉपिक देख सकते हैं टीचर जब देता है एज अ प्रोजेक्ट बच्चे को कंप्लीट करने के लिए और जो प्रोजेक्ट मेथड है एक टीचर फैसिलिटेटेड कलेबरेटिव अप्रोच है जिस पे बच्चा क्या करता है एक्वायर कर रहा है नॉलेज को और उसको अप्लाई कर रहा है उस नॉलेज को स्किल्स को ये डिफाइन करते हुए कि वो किस तरह से सॉल्व करेगा रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को उस प्रोसेस को यूज़ कर ऑफ एक्सटेंडेड इंक्वायरी जो भी उसको प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है जब बच्चे को उसके बारे में वो एक्सप्लोर कर रहा है रिसर्च कर रहा है और जब उसको वो देख रहा है कि क्या क्या रियल लाइफ मतलब प्रोजेक्ट को बनाते हैं उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं या रियल लाइफ में उस चीज़ को जब वो कैसे डिफ़ाइन करेगा उसको रियलिस्टिक मैनर में देखेगा तो वो इंक्वायर करता है उसके बारे में और और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आर स्टूडेंट सेंटर प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट सेंटर है मेनली फॉलोइंग कुछ स्टैंडर्ड जिसमें फॉलो किया जाता है पैरामीटर्स हैं माइल स्टोन क्लियरली डिफाइंड आइडेंटिफाई की जाती है बाई दी इंस्ट्रक्टर जो भी इंस्ट्रक्टर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथर्ड अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है एक ऐसा एक्ट ऑफ डिफाइनिंग पहले सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना आइडेंटिफाई करना क्या प्रॉब्लम है फिर उसका कॉज देखना कि ये किस वजह से प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई किया जाता है फिर प्रायोरिटाइजिंग करना उसको और सिलेक्ट करना ऑल्टरनेटिव फॉर अ सोल्यूशन उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके कॉज देखने के बाद ये देखा जाता है कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकल सकते हैं इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर कर वो मैथड इसमें मतलब सीख रहे हैं दिस एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू नॉलेज बाय फेसिंग द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व और नवी नवी प्रॉब्लम्स को फेस कर कर बच्चा सीख रहा है द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व इसमें क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन हो रही है अंडरस्टैंड किया जा रहा है एनालाइज किया जा रहा है इंटरप्रेट किया जा रहा है प्रॉब्लम्स को ताकि वो सोल्यूशन तक पहुँच सके और परफॉर्म कर सके पर्टिकुलर अप्लीकेशन को दैट लीड टू होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट तक पहुँचने के लिए एक कॉन्सेप्ट को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाने के लिए जब एक प्रॉब्लम जो उसमें आ रही है कॉन्सेप्ट के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है प्रॉपरली उसका कॉज उसके ऑल्टरनेटिव देखे जा रहे हैं तो बेसिकली उसको अप्लाई कर सके बच्चा इसमें इस तरह से मैथड को किया जाता है दिस मैथड डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स आ जाते हैं दिस मैथड हेल्प करता है कि बच्चा ब्रेन स्ट्रॉन्ग अप्रोच कर सके अपने दिमाग खोल सके प्रॉपरली उसकी स्किल्स दिमाग की जो है कॉग्निटिव स्किल्स हैं इम्प्रूव होती है इसमें देन इंटरैक्टिव मैथड इंटरक्टिव मतलब जिसमें इंटरैक्शन हो रही है इंटरेक्शन की जा रही है जिसमें टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स भी इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ रेगुलर टीचिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन के थ्रू और स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व है जिसमें बच्चा बच्चे ही मतलब आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और कई तरीकों से देखता है लाइक यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल्स भी की जा सकते हैं हैंड्स ऑन डेमोस्ट्रेशन यूज़ किए जा सकते हैं तो स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली इनकरेज टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जहाँ पे इंक्रेजमेंट किया जा रहा है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें खुद ब खुद इंटरेक्शन करेंगे तो उनकी और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ज़्यादा होगा इंटरेक्टिव टीचिंग अलाउ करता है लाइक टीचिंग इन विथ स्टूडेंट्स शो एक्टिव इन्वॉलमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉमेशन या नॉलेज को अपने टीचर से ले सके टीचर्स यूज़ डिफरेंट वेज़ टू इन्वाल्व स्टूडेंट्स इन इंटरेक्टिव टीचिंग मैथड एंड मोस्टली फॉर्म लाइक अब टीचर्स भी क्या करते हैं एक मैथड से नहीं स्टडी करवाते हैं वो कई सारे मैथड्स यूज़ करते हैं लाइक हमने ऊपर डिस्कस किया जैसे ऑडियो विजुअल मैथड के थ्रू हैंड्स ऑन डेमोस्ट्रेशन के थ्रू कुछ कुछ टी एल एम्स यूज़ करके हम टीचिंग लर्निंग मैथड टीचर बनाते हैं ऑडियो विजुअल्स प्रोजेक्ट्स हैं आजकल प्रोजेक्टर्स के थ्रू विजुअल एड के थ्रू सब कुछ ये सब इन्वॉलमेंट की जाती है ताकि हर एक बच्चा जो है इंफॉमेशन को समझ सके पार्टिसिपेट्री मैथड पार्टिसिपेट्री का मतलब है जिसमें पार्टिसिपेशन हो टीचिंग मैथड स्ट्रेटजीज इसमें कुछ हैं टेक्निक्स के ऊपर फोकस किया जाता है दैट आर फोकस्ड ऑन इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो ये भी एक मैथड है पार्टिसिपेशन जिसमें हो रहा है बच्चों का और इसमें क्या है बेसिकली पार्टिसिपेटरी मैथड आर डिज़ाइन टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम और इसके थ्रू क्या हो रहा है पार्टिसिपेट करने से एक बच्चे में सेल्फ़ इस्टीम क्रिएट हो रहा है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है फॉर वन डिसीज़न और इस तरह से एक बच्चा है डिसीज़न मेकर भी बन सकता है क्योंकि वो खुद डिसाइड कर पा रहा है कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ उसको करनी है या किस तरह से वो सोल्यूशन निकाल सकता है दे आर डिज़ाइन फॉर प्लानिंग एट कम्युनिटी लेवल एंड कैन बी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बिहेवियर हम देख सकते हैं रिलेटेड टू हाईजीन पार्टिसिपेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप और इस तरह से पार्टिसिपेशन से क्या है बच्चा एक दूसरे से सीख रहा है दूसरे की थिंकिंग को भी हाँ पता चलता है देखता है बच्चा कि किस तरह से सोच रहा है वो किस तरह से सोल्यूशन निकाल रहा है डिवेल्प करता है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स नॉलेज एंड स्किल इस तरह से बच्चा जो है एक दूसरे की स्किल्स के लिए और नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट भी डिवेलप कर रहा है करेंगे टीचर एज अ फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर क्या होता है मेनली फैसिलिटेटर इज़ अ पर्सन परसन हेल्प्स अ ग्रुप ऑफ़ पीपल टू वर्क टुगेदर बेटर अंडरस्टैंड देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान हाउ टू अचीव दिस ऑबजेक्टिव ज्यूरिंग मीटिंग्स और डिस्कशन सो एक फैसिलिटेटर वो पर्सन होता है जो हेल्प करता है ग्रुप ऑफ पीपल को ताकि वो आपस में काम कर सकें अच्छे से और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को समझ सकें और ये देख सके कि किस तरह का प्लान बनाना है ताकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके सो फैसिलिटेटर मेनली उसको बोला गया तो टीचर किस तरह से फैसिलिटेटर बनता है कि बट जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है उससे कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो उस टाइम पे जो टीचर है फैसिलिटेटर का, का काम करता है कि उनको बच्चों को एकजुट करना है उनको बेटर वे में समझाना है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सके उनको कुछ हिंट देना है या लाइक इसका फोल्डिंग हम कह सकते हैं सपोर्ट बनना है उनका इस टाइम पे एज अ फैसिलिटेटर द टीचर्स जॉब इज टू सपोर्ट सपोर्ट करना है एवरी स्टूडेंट टू डू देयर बेस्ट थिंकिंग एंड प्रैक्टिस कि हर एक बच्चा अपने लेवल अपने अकॉर्डिंग अपनी माइंड की एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सोच सके उसको प्रैक्टिस कर सके और एज अ फैसिलिटेटर द टीचर टीचर एनकरेज द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट और एक एज अ टीचर और एज अ फैसिलिटेटर टीचर का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैसिलिटेटर की या टीचर की कि वो इनक्रेज करता है बच्चे को कि वो फुली पार्टिसिपेट करें अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता है और प्रमोट करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये ना हो कि अगर कोई दूसरा बच्चा अपनी व्यूज़ रख रहा है आगे तो उसको टोटली totally डिसग्री करे या अपोज़ करे उसको भी म्यूचुअली प्रमोट करे और किस तरह से कलेबोरेट होकर वो काम किया जाए आइडियाज़ को मिक्सअप कर कर उस ऑब्जेक्टिव तक पहुँचा जाए कल्टिवेट किया जाए शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स हम कंक्लूजन में ये देख सकते हैं कि जो टीचर्स हैं उनका क्रिटिकल रोल है ये देखने में ये असिस्ट करने में कि जो लर्नर है वो किस तरह से एंगेज हो रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग वो करते हुए कैसे बिल्डिंग ऑन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग वो एक लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करते हुए बना रही हैं और देख भी रही है साथ साथ असिस्ट कर रही हैं एनालाइज कर रही हैं और करेक्ट कर रहे हैं उनके मिसकनसैप्शन को ऑब्जर्विंग एंड एंगेजिंग विद लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और एक टीचर क्या करती हैं क्रिटिकल रोल में उनका ये काम भी है कि वो उस में खुली उस कंसेप्ट में फुली ऑब्जर्व भी करना और एंगेज होना लर्नर्स के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंक्लूजन बेसिक कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है मेक्स यू अ बेटर पर्सन एंड टीचर्स यू वेरी स्किल्स एजुकेशन जो है हमको बेटर पर्सन बनाता है और कई सारे स्किल्स हम सीख जाते हैं हम इंडिपेंडेंसी आ जाती है मेनली इट इनहेंस इट इन्हेंसिसज योर इंटेलेक्ट हमारी इंटेलेक्ट हमारी विजडम जो है वो इंक्रीज़ होती है इनहेंस बढ़ती है एबिलिटी टू मेक रैशनल डिसीज़न मतलब रैशनल मीन लॉजिकल जिसका कोई वैलिड डिसीज़न हम बना पाते हैं और ये क्या इनहेंस कर रहा है इंडिविजुअल की ग्रोथ को ऑफ अ पर्सन और द इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट सो यही एक रीज़न है कि कोई भी बुक को बिल्ड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अप्रोप्रिएट कंटेंट हो उसमें कुछ भी वेग नहीं डालना चाहिए बुक में लाइक like, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उस कंटेंट की इनकॉर्पोरेट वेरियस अप्रोच उसमें कई सारे मेथड्स होने चाहिए अप्रोचेज होने चाहिए जिसमें कि एक टीचिंग टू मीट द गोल मतलब लाइक एक टीचर जो है अपने गोल को अचीव कर सके ताकि वो बच्चे की हर एक बच्चे की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके थैंक so, यू इस टॉपिक के लिए बस इतना ही था आई होप ये आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। थैंक यू